Subscribe to our channel by clicking the subscribe button and press the bell icon for all the latest updates. चैनल और दोस्तों मेरा नाम है तलहा और दोस्तों आज की वीडियो यार काफी इंटरेस्टिंग है और काफी दिनों बाद ये फोटोग्राफर की सीरीज में कोई वीडियो आ रही है और काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं करने जा रहा हूँ 8x लेंस की अनबॉक्सिंग और छोटा मोटा रिव्यू भी दे दूंगा आपको। ये काम करता है कि रिव्यू जो है ना इसका अगले वाली वीडियो में फोटोग्राफर की सीरीज की अगली जो वीडियो आएगी वो रिव्यू में बना देंगे। आज से अनबॉक्सिंग देखते हैं और फर्स्ट लुक देखते हैं कि कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों चले करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर बॉक्स कंटेंट्स और क्या क्या मिलेगा यार हमें इसमें देखने के लिए। तो दोस्तों ये है लेंस का बॉक्स, अगर आपको दिख रहा हो अभी ये है टेलीफोटो लेंस। इसको आप जूम काफी दूर से खड़े होकर एक टेलीफोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मोबाइल फोन टेलीस्कोप, अगर नजर आ रहा हो तो मोबाइल फोन टेलीस्कोप यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ पे भी लिखा है मोबाइल फोन टेलीस्कोप। और फिर भाई ये बस बॉक्स पे तो आपको कुछ और चीजें मेंशन नहीं है के बाद क्या क्या है इसके अंदर। और हमें यहाँ पर मिल जाता है सबसे पहले ये बॉक्स और जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है पता नहीं, और हमें मिलता है इसके अंदर एक क्लिप रखेंगे साइड पे। इसके अलावा बॉक्स में देखें तो अगर आपको तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अभी आपको दिख रहा हो तो ये है हमारे पास एक लेंस का क्लिप और इसके अलावा जो कि बॉक्स ऑलरेडी खुला हुआ है पता नहीं और इसके अंदर है हमारा लेंस। तो यहाँ पर हमारा लेंस जो कि आता है दोनों साइड के कवर लगे हुए हैं, इसके लेंस कैप लगे हुए हैं तो जिसकी वजह से अभी ओपन नहीं है। और वैसे काफी जो कि तारीफें सुनी थी इस वाले लेंस की भी कि टेलीफोटो ये काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे लेंस से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर अभी आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर दी गई है ब्लर एडजस्टमेंट, फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम रिमूव कर लेते हैं यहां से अपने ये लेंस के कैप्स को। और यहाँ पे अगर अभी आप देख सकते हो तो मैंने यहां से रिमूव कर दिया है अभी अपना लेंस कैप जो कि काफी इंटरेस्टिंग लुक दे रहा है अभी यहाँ पे देखने में, अच्छा लग रहा है काफी। ऐसे लग रहा है कि यार मोबाइल का लेंस वाकई, अब देखो क्या क्या आ गया है, मोबाइल के लेंसेज भी आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, कैमरा के लेंस जैसा ही है यार ये कुछ आप देख सकते हो अभी। तो और तो लेंस के चारों तरफ कुछ भी नहीं मिलता है, बस के फोकस रिंग दी गई है और बस दो लेंसेज दिए गए हैं। और यहाँ पर अंदर लिखा गया है, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है 8x जूम लेंस f/18mm 16 डिग्री। तो बस और कुछ भी नहीं है। और क्लिप का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो क्लिप में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मुझे तो लगता है कि ये वही कपड़े टांगने वाली ये क्लिप दे दिया है मेरे को, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं यार बस। और यहाँ पर इसको हम फिट करते हैं इस तरह, सॉरी जरा मैं अब दिखा देता हूँ, अब अगर सही नजर आ रहा हो आपको तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नट फिक्स करते हैं हम, वैसे इसको आराम से फिक्स करना है और ये टाइट हो चुका है। सही दोस्तों, ये इस तरह क्लिप से एडजस्ट हो जाएगा आपके फोन। तो
तो यार अब हम देखते हैं कि इसको हम मोबाइल फोन पे कैसे फिट करें। दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक बार बताऊं, इससे बेहतर रहेगा कि अगर आप टेलीस्कोप इसके अंदर ना लगाएं, लेंस मतलब मेरा इसके अंदर इंसर्ट ना करें, पहले आप इसको अपने फोन पे सही तरह एडजस्ट कर लें। मीन्स कि मेरे पास ये आईफोन है, अपने डुअल कैमरा सिंगल कैमरा वाली में लगाता हूँ मैं, सिर्फ सही है। अगर आप फोन के कैमरे पे इसको सही तरह एडजस्ट कर लेंगे, मतलब इस तरह अभी मैंने यहाँ पर कर लिया, और ये देखें मेरे फोन पे सही तरह बैठ नहीं रहा क्योंकि मेरा डुअल कैमरा है, तो वो थोड़े से अपर सरफेस पे है और जो बाकी कैमरा का लेंस आता है वो इनर सरफेस पे जा रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आपके फोन में नहीं होगा। विदाउट डुअल कैमरा जो है उस पर सही चलेगा। उसमें लगाने के लिए मेरा जो मशवरा है, जिस तरह मैं यूज करूंगा तो वो इसी तरह यूज करूंगा कि पहले आप इसको एडजस्ट कर लें और चेक कर लें कि आपका जो मोबाइल फोन है उसके रिजल्ट में मतलब कुछ खराबी तो नहीं आ रही है। तो अगर अभी आप देख सकते हो तो बिल्कुल सिंपल है। और बाद वक्त क्या होता है, जब आप इसको बाद में लगाते हैं तो ये आ जाता है कुछ ऐसा, कोई लेंस होता है इस तरह सामने, तो आपको नहीं नजर आता कि कहाँ पे लगाया है। तो जैसे दोस्तों कुछ इस तरह का लुक आता है, ये देखें। असल में देख के करना होता है क्योंकि एक्चुअली में ये देखें, ये हो चुका है अभी मोबाइल के ऊपर मेरे फिट, सही है। तो अभी आप देख सकते हो कि दिखने में अगर आप किसको दिखाओगे ना, मतलब कोई देखेगा, आप इससे कोई फोटो शूट कर रहे ऐसे लगेगा कैमरा पकड़ा है आपने, क्योंकि देखो पूरा कैमरे वाला ही लुक है। ये देखो अगर मैं इस तरह पकड़ूंगा, बट यहाँ पे बड़ा होना चाहिए था, हालांकि मेरे पास दूसरा फोन है मेरा सोनी एक्सपीरिया, उसके ऊपर है बटन, वो जब मैं उसके ऊपर यूज करता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि यार मैंने एक छोटा सा डिजिटल कैमरा लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फोन कितना अच्छा लुक देता है जब ये लगता है, क्योंकि एक तो फोन की यार छोड़ो, अभी ये देखो अभी तो खैर बहुत ज्यादा ब्लरी आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अभी तो ये देखो, एक तो मेरा फोन जो है ना, उसका डुअल कैमरा है, ये iPhone 7 है, तो उसका डुअल कैमरा है, तो उसके ऊपर तो यार अभी सही तरह फिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ब्लर 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 हो चुका है, और अब थोड़ा सा फोकस एडजस्ट हुआ है। तो अब मैं दिखाता हूँ यार आपको, तो अब वैसे तो यार अभी देखो नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरा फोन ये इतना बड़ा है और ये ट्राइपॉड मेरे पास जिस पर भी मैं अपने शूट कर रहा हूँ, इसकी वीडियो की वीडियो साइज इतना ही है और नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह जो अगला रिव्यू आएगा उसमें आपको मैं मुकम्मल इसका रिव्यू दे दूंगा और पिक्चर्स वगैरह खींच के भी बताऊंगा और इस्तेमाल भी बता दूंगा यार पूरा, सही है। तो यहाँ पे भी आप बस देख लें, छोटा सा ये रिव्यू है और फोन कैसा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है काफी देखने में, यहाँ पे भी आप खुद देख सकते हैं वो, तो बेस्ट फोन लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फोटोग्राफी की सीरीज है इसको बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे और 18x लेंस भी इसी पे अनबॉक्स करेंगे, सही है। इसके अलावा 3-in-1 लेंसेज भी सोच रहा हूँ, वो भी अनबॉक्स कर दूँ, बहुत सारे लोग लेना चाहते होंगे तो वो अनबॉक्स कर देंगे यार, उसको भी मसला नहीं है, और 18x को मैं लाजमी करूंगा, और 8x मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। वैसे एक बार मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाय करना चाह रहे हैं इसको तो प्लीज नहीं करिएगा, मेरे लिए ऐसे तो बेकार है, इसमें जूम एडजस्ट हुआ था, अगर आपको टेलीफोटो लेंस टेलीफोटो के तौर पे चाहिए, मतलब एज अ टेलीफोटो यूज करेंगे इसको, तो आप मंगा लें, मसला नहीं है, उसके लिए बेहतरीन है। अगर आपको स्क्रीन जूम एडजस्ट हुआ होता है, और मैंने सुना कि 18x लेंस का जूम एडजस्ट नहीं हुआ होता, इसमें आपको एक मिलती थी फोकस की रिम, जिस तरह की आपको अभी रिव्यू में अनबॉक्सिंग में दिखाया मैंने कि एक आपको रिव्यू की ही सॉरी फोकस की ही रिंग मिलती है, इसके अलावा आपको रिंग नहीं मिलती है, इसके अलावा जूम एडजस्ट हुआ होता है, तो आम यूज के लिए तो बेकार है और थोड़ा महंगा भी आता है प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह का इसका काम नहीं है कोई मेरे नजदीक, तो उस क्लास से महंगा है, 18x से बेहतर ले लें, इसी प्राइस पे मिलेगा और बेहतरीन होता है। तो दोस्तों बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।